हेलो बच्चों माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं और जैसा कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा स्पेसिफिक चार्ज चार्ज एंड मास की वैल्यूज़ और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए हमने प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपेयर भी किया और हमने ये कंक्लूड किया कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 1837 जिसको हमने नियरली 1840 टाइम्स मान लिया था हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ठीक है तो हमने प्रोटॉन के मास को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वन यूनिट मेंशन किया न्यूट्रॉन मास इज आल्सो वन यूनिट इलेक्ट्रॉन के मास को इन टर्म्स ऑफ यूनिट हमने यूनिट किया ओके okay? तो मैं ये होप कर रहा हूं कि आपने वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लिया है डिक्टेट कर लिया है और वो सारे पॉइंट्स आपको अब याद रहेंगे अब हम इस लेक्चर में जो बात कर रहे हैं वो ये बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनसे किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है जैसे इस प्रॉब्लम में आपको ये डेटा गिवन है कि इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल पार्टिकल एज्यूम कर लेते हैं ये पार्टिकल एक्स है हाइपोथेटिकल पार्टिकल एक्स इज 250 फिफ्टी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज A specific charge of an electron and charge of particle X X is five times greater greater than that of charge of an electron of an electron then calculate mass ratio of particle x to that of electron ये देखिए और ऑप्शन ये रहे आपके सामने है। आपको गिवन है यहां पे ऑप्शन वन बाय फिफ्टी फिफ्टी बाय वन वन बाय वन और डी नन ऑफ द अबव ये देखिए तो सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद नोट करके मेरे वीडियो को पॉज करके इसके आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हो और फिर मेरे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे अपने आंसर को मैच कर सकते हो ओके okay? तो देखें जैसे यहां पर जो गिवन डेटा है वो गिवन है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है हाइपोथेटिकल पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्स तो ऑब्वियसली हम इसको लिख सकते हैं ई बाय एम रेशियो ऑफ एक्स ठीक है e X, और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसको हम लिख सकते हैं ई e m ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमको गिवन क्या है हमको गिवन है कि जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एक्स है टू दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखिए यहां पर गिवन है 250 फिफ्टी टाइम्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल एक्स का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये वैल्यू 250 के इक्वल है क्या ये जो रेशो है हम इसको लिख सकते हैं चार्ज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये वैल्यू 250 के इक्वल है ओके इसको हम और एक्सपेंड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा देखिए चार्ज ऑफ एक्स टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स इन ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो ऐसा हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखिए ये वैल्यू 250 के इक्वल है अब आपको एक डेटा और यहां पर गिवन है चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्स इज फाइव टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये भी गिवन है आपको जो चार्ज ऑफ पार्टिकल एक्स है टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू फाइव ये फाइव के इक्वल है तो देखिए ये जो ऊपर रेशियो है इसमें चार्ज ऑफ एक्स टू तो दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखिए तो ये रेशियो ऑलरेडी नॉन है इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ एक्स इन चार्ज ऑफ एक्स टू तो दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फाइव के इक्वल है 250. ये देखिए अब आपको कैलकुलेट क्या करना था कैलकुलेट करना था मास रेशो ऑफ पार्टिकल एक्स तो अभी हम अगर इस रेशो को ऐसे लिखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ एक्स ये आ जाएगा टू फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव इसका मतलब फिफ्टी डिवाइड बाई वन लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एक्स टू दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब आंसर शुड बी वन बाय फिफ्टी ये देखिए तो ये पॉइंट यहां पर नोटिसेबल था हम पता चला कि इलेक्ट्रॉन का मास और एक्स का मास कैलकुलेट करके आ गए तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर तो वन बाय फिफ्टी कहां पर है ये देखिए ए आंसर है ओके okay? एग्रिड सभी को क्लियर है नाउ सेकेंड जो प्रॉब्लम है उसको देखिए हम अटेंड करते हैं जैसे आपको बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग फॉलोइंग पार्टिकल्स इन देअर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस आपको यहां पर पार्टिकल्स गिवेन है और इन पार्टिकल्स को स्पेसिफिक चार्जेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है प्रोटोन इज गिवन इसको पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं एल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम आयन के ऊपर ओके एंड न्यूट्रॉन इज गिवन इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये देखिए क्लियर है तो हमको इन सभी पार्टिकल्स को स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो ये आप अपने आंसर को पहले चेक कर लीजिए हम यहां इसको सॉल्व करेंगे मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को प्रेडिक्ट कर लिया है तो चेक करिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इसका ये आपको जो गिवन पार्टिकल्स हैं इनको लिख लेते हैं इनका चार्ज मास एंड स्पेसिफिक चार्ज दैट इज ई बाय एम रेशियो ये देखिए ऑलरेडी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन हम इनके जो स्पेसिफिक चार्जेस उनको डिस्कस करके आए हुए हैं वापस एक बार चेक करते हैं देखिए जैसे सबसे पहले प्रोटॉन जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका जो चार्ज है हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना लिखा है वन यूनिट ये वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज बियर करता है कूलम में लिखेंगे तो प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइन कूलम ये देखिए मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट यूनिट मास ये वैल्यू हमने लिखी है 10 की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम और अगर हम इस रेशो को सॉल्व करेंगे ई e और एम तो वन बाय वन ये वैल्यू वन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट और हमने ये वैल्यू लिखी थी नाइन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर फोर कूलम पर ग्राम ये देखिए ओके okay? आप चाहे तो इसको किलोग्राम में करते तो यहां पे फिर किलोग्राम में रिजल्ट हमको मिलता सिमिलरली वी हैव सेकेंड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वन यूनिट नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम है मास टर्म्स ऑफ यूनिट वन अपॉन वन एट थ्री सेवन यूनिट जिसको हमने इतना लिखा है ग्राम में नाइन पॉइंट वन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम और वन और वन बाय वन एट थ्री सेवन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वॉट वी फाइन वन एट थ्री सेवन वैल्यू आएगी ये जो नेगेटिव साइन है यह आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता भी दिया था जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ओके इज नो अदर सिग्निफिकेंस ऑफ इट तो यहां इस वैल्यू को हमने जब कुलम पर ग्राम में लिखा था तो कितना लिखा था यह लिखा था माइनस वन पॉइंट सेवन सिक्स इन टेन की पावर एट कुलम पर ग्राम ये देखिए ये थी हमने वैल्यू और माइनस साइन sign का सिग्निफिकेंस इतना सा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है उसके लिए है अदरवाइज देर इज नो सिग्निफिकेंस तो ये बस इसका इंपॉर्टेंस यहां पे नेगेटिव चार्ज का इतना सा ही होगा ओके तो यहां एल्फा पार्टिकल एल्फा पार्टिकल जैसा भी आपको मैंने बताया डाय पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन, तो हाउ मच चार्ज आंसर है टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टर्म्स ऑफ कूलम ये हो जाएगा टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन कूलम, और मास ये फोर यूनिट क्योंकि हीलियम पार्टिकल है यह तो फोर इन इंटू 10 की पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम ये देखिए तो 2 टू इसका मतलब 0.5 वैल्यू आ गई है और ऐसे ही अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन को हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है और यहां जीरो चार्ज होता है मास यूनिट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया 1.67 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ओके जीरो बाय वन ये वैल्यू जीरो आ जाएगी तो आपको यहां पर पूछा गया था कि हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज किसका है तो आंसर शुड बी इलेक्ट्रॉन वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए है अदरवाइज देर इज नो अदर सिग्निफिकेंस तो ये हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज है इसके बाद आफ्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज देयर देन अल्फा पार्टिकल और देन इन लास्ट न्यूट्रॉन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्जेस तो वट वॉज योर आंसर आपका आंसर क्या था इसको जरा चेक करिए मेरे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ओके अब ये जो डेटा हमने लिखा है जैसे हमने यहां पे वन लिखा वन एट थ्री सेवन लिखा या जीरो पॉइंट फाइव लिखा या जीरो लिखा ये स्टैंडर्ड डेटा है इसको हम बदल नहीं सकते क्योंकि चार्ज और मास ये सभी के लिए एकदम फिक्स्ड है तो आपसे कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं जैसे मैं यहां पे लिखूंगा आप देखिए ये हमने एक इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो एक रिजल्ट है उसको यहां पर कंक्लूड कर दिया है तो देखिए और कैसे प्रॉब्लम स्पेसिफिक चार्ज से आपको देखने को मिल सकती है देखिए स्टूडेंट जैसे आपसे एग्जामर ऐसे प्रॉब्लम पूछ सकता है इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटोन इज 9.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सेवन कूलम पर किलोग्राम देन कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल और अभी जैसा आपको मैंने बताया एल्फा पार्टिकल क्या है डाय पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन ओके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने 9.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम डिवाइड बाय 2 और 2 इंटू नाइन पॉइंट फाइव इंटू की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम और 9.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर 7 कूलम पर किलोग्राम और डी ऑप्शन नन ऑफ द अब नोटा नन ऑफ द अब तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू है आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन ये गिवन है इट इज 9.5 पॉइंट फाइव इंटू की पावर सेवन कूलम पर किलोग्राम ये ऑलरेडी हमने यहां पर कैलकुलेट करी थी ये कूलम पर ग्राम में है इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट वी विल फाइंड ओके नाउ यह गिवन है और आपको कैलकुलेट क्या करना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना ये हम अभी यहां पर देख रहे हैं कि जब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज वन है इन टर्म्स ऑफ यूनिट तो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज क्या है पॉइंट फाइव तो ऑलरेडी नोन क्या नोन है प्रोटॉन टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज ये जो रेशो है वन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फाइव वन डिवाइडेड बाय हाफ या ये टू न्यूमिरेटर में चला गया इसका मतलब यहां पर ये ऐसे दिख रहा है देखिए प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज टू टाइम्स है अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज से ये देखिए स्टूडेंट हैवी प्रोटोन का अगर वन है तो एल्फा पार्टिकल का पॉइंट फाइव है, है ना और हमको कैलकुलेट किसका करना था एल्फा पार्टिकल का तो यहां हम लिख देंगे कि एल्फा पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज है इट इज वन बाय टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन तो आपका आंसर आ गया इट इज वन बाई टू ऑफ नाइन पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सेवन कूलम पर किलोग्राम दिस शुड बी योर आंसर तो हमको जो आंसर यहां पर रिपोर्ट करना है ए आंसर रिपोर्ट करना है ओके इसकी जगह जैसे आपसे ऐसे प्रॉब्लम पूछता कि इफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू की पावर 8 कूलम पर ग्राम देन कैलकुलेट कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अब आप ओके तो वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स को पहले प्रेडिक्ट कर लीजिए देखिए स्टूडेंट्स आपने अपने आंसर को प्रेडिक्ट किया आपको यहां पर गिवन है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज माइनस वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन की पावर एट कूलम पर ग्राम अगेन नेगेटिव साइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और वॉट वी हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन और ऑलरेडी नोन अभी हमने जो रिजल्ट कंक्लूड किया है क्या देखा उसमें हमने उसमें हमने देखा कि जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाय स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ वन एट थ्री सेवन देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन इज वन ये देखिए तो यहां हमको प्रोटोन का कैलकुलेट करना है क्या स्पेसिफिक चार्ज तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन ये कितना टाइम हो जाएगा वन अपॉन वन एट थ्री सेवन टू दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखिए तो आपको ऑलरेडी यहां गिवन है ये 1.76 पॉइंट सेवन की पावर 8 कूलम पर ग्राम वैल्यू है तो इसको 1837 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटोन और ऑब्वियस है ये जब के लिए लिखेंगे, तो इग्नोर तो करना पड़ेगा ना क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और प्लस बिकॉज प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ओके क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को नाउ जैसे जो कैथोड्रे ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड्रे ट्यूब के अंदर सर विलियम क्रुक्स ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और फिर मॉडिफाइड कैथोड्रे ट्यूब में गोल्ड स्टीन ने प्रोटोन को डिस्कवर किया तो देखिए यहां पर एक पॉइंट और एक प्रॉब्लम आपसे मैं और पूछता हूं जैसे ये बोल रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन different gases different gases taken in discharge tube discharge tube means cathode ray tube cathode ray tube whereas a specific charge a specific charge of, of an electron does not depend does not depend on the nature of different gases, different gases taken in discharge tube. तो आपको ये अगर पूछा जाए कि वाई इट हैपन तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो ये पिक्चर देख लीजिए ये कैथोड रे ट्यूब की पिक्चर है कैथोड रे ट्यूब में एक्चुअली जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के ऊपर फिल करके पहले इलेक्ट्रॉन और लेटर स्टेजेस में विद हेल्प ऑफ मॉडिफाइड कैथोड्रे ट्यूब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस की जगह कोई भी दूसरी गैस यहां पर फिल कर दूं और फिर मैं स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करूं प्रोटॉन के लिए और स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करूं इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या वैल्यू जो अभी हम लिखते हुए आ रहे हैं वही मिलेगी या बदल जाएगी तो देखिए इसका आंसर क्या है तो अब ये कैथोड्रे ट्यूब को डिसअपियर कर देते हैं ठीक है जो स्पेसिफिक चार्ज है प्रोटॉन का वो हमने इतना लिखा है देखिए ये कांस्टेंट है सही है नहीं देखिए आपसे क्या बोल रहा है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट गैसेस इसका मतलब ये वेरिएबल है वेरिएबल इट इज वेरिएबल देखिए अभी हम क्या कंक्लूड करके आए हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन या जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन ये इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब यह हुआ देयर फोर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन दीज टू पार्टिकल्स दीज टू पार्टिकल्स कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स टोटल मास ऑफ एन एटम टोटल मास ऑफ एन एटम यह देखिए तो अगर मैं गैस को बदलता हूं मतलब अगर ये हमने जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन गैस के लिए लिखी है उसकी जगह अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन का जो मास है मतलब ये वैल्यू मास एम, ये बदलेगा अगर ये बदल गया तो ई e m रेशो बदल जाएगा क्योंकि मास में प्रोटॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ओके एग्रिड तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने आ गया अगर मैं इसकी जगह तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं देयर फोर देयर फोर इफ वी चेंजड गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब देन देयर मासिस माससिस विल ऑल्सो चेंज्ड मासेस भी इनके बदलेंगे विल ऑल्सो चेंज और अगर मासेस बदल गए तो देअर फोर जो ई बाय रेशियो है विल ऑल्सो चेंज तो है ना इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और इसकी जगह एंड जो स्पेसिफिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जिसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी है ये हमने लिखी है माइनस वन पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन की पावर एट कूलम पर ग्राम तो डेफिनेटली यहां पर बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन डज नॉट कंट्रीब्यूट इन टोटल मास ऑफ एन एटम मास ऑफ एन एटम देयरफॉर फोर E by M ratio E by M ratio become constant and does not depend does not depend on the nature of different gases. ये देखिए ठीक है स्टूडेंट्स तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ये ओके तो इसकी जगह जैसे आपको मान लेते हैं प्रॉब्लम ये मिला अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस स्पेसिफिक चार्जेस तो दिस टाइम आपको जैसे गिवन है एच प्लस एच ई प्लस और एच ई प्लस टू यह आपको गिवन है और आपको ऑप्शंस भी गिवन है यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है एच प्लस एच ई प्लस और एच ई प्लस टू बी ऑप्शन में गिवन है एच ई प्लस टू एच ई प्लस एंड एच प्लस और सी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ द अबव हो सकता है इसकी जगह कोई डिफरेंट आंसर हमारे सामने हो तो मैं चाहूंगा कि दिस टाइम आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिए देखिए फ्रेंड क्या आंसर होगा चेक करते हैं जरा दिस टाइम जो आपको पार्टिकल्स गिवन है एक आपको गिवन है एच प्लस दूसरा आपको गिवन है एच ई प्लस और तीसरा आपको गिवन है एच ई टू प्लस एच ई टू प्लस इज एल्फा पार्टिकल एंड व्हाट अबाउट एच प्लस एच प्लस क्या है प्रोटॉन यस इट इज प्रोटॉन ओके बिल्कुल सही गैस किया आपने तो यहां चार्ज मास एंड स्पेसिफिक चार्ज दैट इज ई बाय एम रेशियो अच्छा सभी प्रॉब्लम में हम बार बार स्पेसिफिक स्पेसिफिक करते हुए आ रहे हैं तो मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक का मतलब है इट इज फिक्स फॉर प्रोटॉन और फिक्स फॉर इलेक्ट्रॉन दैट्स वाई वी यूज दिस टर्म स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए फिक्स है तो जैसे आपने देखा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं तो फिर स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का ये हमेशा फिक्स है है कांस्टेंट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूं तो ये वैल्यू फिक्स है दैट्स व्हाई वी यूज दिस टर्म स्पेसिफिक ओके तो प्रोटॉन इसका जो चार्ज है वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब इसको बार बार हम कुलम में नहीं लिखेंगे इसका जो मास है वन यूनिट मास और इसलिए हम वन बाय वन वन लिख के आए हैं ऐसे ही हीलियम प्लस तो हीलियम प्लस दिस टाइम वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑब्वियसली इट्स मास इज फोर यूनिट तो वन बाय फोर दैट इज जीरो पॉइंट टू फाइव एंड हीलियम टू प्लस तो टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड फोर यूनिट मास दैट इज जीरो पॉइंट फाइव तो आपको आंसर आपको समझ में आ रहा होगा क्या है सबसे टॉप पर H प्लस आएगा देन एच ई टू प्लस आएगा देन एच ई प्लस आएगा ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ देयर स्पेसिफिक चार्जेस ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर हो गया सभी बच्चों को तो क्या यहां पे इस टाइप का आंसर गिवन था H प्लस फिर एच ई टू प्लस और फिर एच ई प्लस नो तो इसलिए इस, इस प्रॉब्लम में आपको क्या आंसर टिक करके आना था नोटा नन ऑफ द अबव तो मुझे लग रहा है जो स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है चार्ज और मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इन प्रॉब्लम्स को देखकर आपको समझ में आ गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी जा सकती हैं हम अब जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो उसमें मैं आपको बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम मतलब एटम के रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है जो हम कैसे बात कर सकते हैं रिलेटेड विद एटम एंड देयर रिलेटेड रिल्स ओके तो मैं होप कर रहा हूं कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेंगे अब स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम को अटेंड करने में तो अगली लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं विद Representation of an atom. Okay? Thank you.